सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं द पाल वर्ल्ड। और भाई आज हम बात करने वाले हैं उन पांच तरीकों के बारे में जिससे आप अपने किसी भी पोकेमोन को पाल को अपग्रेड कर सकते हो, उसका लेवल अप कर सकते हो बहुत ही जल्दी। तो भाई आज मैं एक ऐसा पोकेमोन आप लोगों के सामने लेके आने वाला हूँ जिसका लेवल होगा 1, जो कि नया नया हमने एग से इनक्यूबेट किया हुआ है। जैसे अभी मेरे पास जो पोकेमोन है वो है ये, इसका नाम है वॉरसेट और भाई वॉरसेट का लेवल है 4। तो ये वॉरसेट को हटाकर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं वो करने वाले हैं किसी लेवल 1 पे। ग्रीन टेल लेने वाला था मैं, लेकिन नहीं, ये है मराइथ। इसको कैसे स्पेल करते हैं पता नहीं, मराइथ इसका नाम है भाई। मराइथ मैं आपको दिखाता हूँ कैसा पोकेमोन है। तो ये दो आँखें इसकी नज़र आ रही हैं, नाक वाक कुछ है नहीं भाई, बहुत ही भयंकर दिखने वाला पोकेमोन है। बट पावरफुल भी होगा यार, जो इतना भयंकर बनाया देखने तो पावरफुल भी होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। पहला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है भाई कि हम क्राफ्ट कर सकते हैं बहुत सारी आइटम्स जिसकी वजह से हमें मिलते हैं पॉइंट्स। और भाई जितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे उतने उन सभी पोकेमोन्स को मिलेंगे जो आपने कैरी किए हुए हैं। 5 पोकेमोन जो आपके पास हैं वो 5ों पोकेमोन आपके अपने आप पॉइंट्स लेते रहेंगे और भाई अपना लेवल अपग्रेड करते रहेंगे। तो भाई मैंने फ़िलहाल अपनी हनी बी को ले लिया है, ये मेरी हेल्प कर रही है बॉल्स बनाने में। अब भाई मैं भी इसकी हेल्प कर रहा हूँ साथ में बनाने में। भाई जितना आप लोग बनाएंगे उतना आप ऊपर देख पा रहे हो कि भाई आपको मिल रहे हैं पॉइंट्स, और आपका ऑलरेडी जो पोकेमोन आपने लिया था लेवल 1 पे वो लेवल 3 पे हो चुका है, लेवल अप हो चुका है उसका। सो नाउ इट्स ऑन लेवल 3। सेकेंड पॉइंट हमारे पास हो जाता है भाई कैप्चरिंग पाल। तो भाई सबसे मेन पॉइंट मैं तो इस पूरे गेम में मानता हूँ कि कैप्चरिंग पाल जो है सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और भाई इसको अगर आप यूज़ करते हो ना तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि पॉइंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। जैसे ये क्रेमिस है 4 लेवल पे, इसको हम थोड़ा सा डैमेज देंगे और भाई अब इसको कैप्चर कर लेते हैं। भाई इसको कैप्चर करने की वजह से हमें मिले हैं 13 पॉइंट्स और फिर से लेवल अप हो गया है। तो अब हमारे जो पोकेमोन हमने लिया था मराइथ का, उसका लेवल हो गया है 6। कुछ पोकेमोन और ट्राई कर लेते हैं, इस पर तो पॉइंट बहुत कम मिले हैं। यूजुअली पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे लेवल का पोकेमोन पकड़ना होगा। जैसे कि मान लो आपका खुद का लेवल 20 है तो आपको 7, 8, 10 ऐसे लेवल के पोकेमोन ट्राई करने चाहिए। इनमें 1 का 3, 1 का 6, 6 वाले को ट्राई कर लेते हैं। 6 वाले को थोड़ा डैमेज देंगे और भाई इसको कैप्चर करते हैं। अरे भाई पूरी की पूरी शील्ड तोड़ दी उसने। भाई ये है हमारा पाल सफायर लॉन्चर। भाई ये बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बॉल फेंकता है। भाई इसने तो पूरी शील्ड तोड़ दी है यार, इस बार आ जाए बस। हाँ आ गया, नाइस। भाई अब अगर आप ऊपर मराइथ का लेवल देख रहे हो तो लेवल हो गया है 7। और भाई इस पोकेमोन से मुझे मिले थे 2000 पॉइंट्स। तो भाई पॉइंट आप समझ रहे हो, आप कोई भी आइटम क्राफ्ट करते हो आपको 30, 40, 50 पॉइंट मिल जाते हैं। आप किसी कोई चीज़ क्राफ्ट करते हो तो भी 30, 40 है। लेकिन कोई पाल अगर आपने पकड़ लिया है ना भाई, उसके पॉइंट 2000, 2500 तक चले जाते हैं, एंड वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तीसरा है डिफीटिंग पाल्स। आप बस किसी भी लो लेवल के पाल्स के पास जाओ, अपना एक पाल छोड़ दो भाई, वो अपने आप मार देगा। बस उसको इंडिकेट किया हुआ हो कि भाई उसको एग्रेसिव अटैक करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। आप किसी भी पाल को ओपन करके अपने कीबोर्ड का 4 नंबर बटन प्रेस करोगे एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा अटैकिंग का ऑप्शन का। अभी यहाँ पर मैंने फिर से ओपन किया है और भाई एक पत्थर उठा के मारता है, एक में मर जाता है 5-6 लेवल का पाल। लेकिन पॉइंट्स आप देख रहे हो 16-17 पॉइंट मिल रहे हैं, 35 पॉइंट्स मिले थे इसके लिए, पर इसी को पकड़ने के पॉइंट्स मिले थे 2000। तो अभी भी मेरा जो तरीका नंबर 2 है कैप्चरिंग पाल्स, वो मैं नंबर 1 पे रखूँगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव वही है, बाकी भी देखते हैं। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें करनी बाकी हैं। अभी हमारे पास टोटल 5 ऑप्शन है, 5 में से 3 ही हुए हैं, 2 ऑप्शन और बाकी हैं। एंड गाइस अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज़ हम लोग लेकर आते रहते हैं। भाई चौथा ऑप्शन है भाई सिंडिकेट मेंबर्स। सिंडिकेट मेंबर्स आपको जहाँ भी मिलेंगे ना वहाँ पर होगा कुछ ना कुछ लोचा। और सामने की तरफ जो ग्राउंड है, ग्राउंड के राइट साइड में सिंडिकेट मेंबर्स का कुछ सेटअप है,
और सेटअप के अंदर एक होता है पिंजरा, और पिंजरे के अंदर एक पोकेमोन ज़रूर होता है जो उन्होंने कैप्चर करके रखा होता है, ये दिखाने के लिए भाई सिंडिकेट मेंबर भी हैं, कुछ पावरफुल इंसान हैं। तो भाई सिंडिकेट मेंबर की ऐसी की तैसी करने के लिए हम लोग पहुँच गए हैं। बहुत सारे सिंडिकेट मेंबर यहाँ पर हैं, लेकिन लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है उनका। सिंडिकेट मेंबर जब तक 10-12 लेवल तक है तब तक ठीक है, अगर 25-30 लेवल तक, भाई उसके आसपास जाने की कोशिश मत करना, उसका बहुत सारी अलग अलग तरह की गन्स होती हैं, वो निपटा देगा आपको। भाई मैंने पोकेमोन छोड़ा था सिंडिकेट मेंबर्स के लिए, और भाई उसने अल्पका पे कर दिया हमला, मेलपका पे। भाई अब सिंडिकेट मेंबर्स का नंबर आ गया क्योंकि ओपन छूटा हमारा। हमारा वानरम जो पोकेमोन है बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, और ये बहुत तगड़ा मारता है, बिल्कुल धागा खोल देता है। भाई सिंडिकेट मेंबर ये वाला ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, हाँ ये भी ख़त्म, एक बचा हुआ है बस पीछे। तो अभी जितना भी मामला इनसे गिरा है, सामान गिरा है, वो उठा लेते हैं। भाई इसको मारना पड़ेगा, इसके सामने अगर मैं जाऊँगा तो गोलियों से मुझे तो काफ़ी इफेक्ट होगा। भाई ये भी गया। भाई ये जो पोकेमोन है, भाई ये बनी टाइप का पोकेमोन है, इसका नाम देखते हैं क्या है, लेट्स सी। और भाई ये पोकेमोन भी आपको उतना ही बेनिफिट देगा जितना कि आप नया पाई देख रहे हो, 2067 पॉइंट मिले हैं, रीबनी इसका नाम है। और भाई कोई भी नया पोकेमोन पकड़ते हो ना, उतना ही बेनिफिट ये पोकेमोन भी आपको देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवें नंबर पे आता है हमारा कंप्लीटिंग डंजन। भाई कंप्लीटिंग डंजन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर बहुत सारी आपको गुफाएं ऐसी मिलेंगी, और गुफाओं के अंदर जाकर आप जितने भी पोकेमोन है ना भाई, उनको या तो कैप्चर कर लो या मार दो, बस आपको डंजन कंप्लीट करना है। तो इस डंजन में आपको बॉस पोकेमोन मिलते हैं, मैं पहले बता दूं, बॉस पोकेमोन मुझे मिला है सिलरी। सिलरी कहीं पर भी पूरे पाल वर्ल्ड में बॉस पोकेमोन इसकी तरह अवेलेबल नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पर ये झुंड में अवेलेबल है। झुंड में अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, मैं इससे लाइक सामना तो नहीं कर पाऊँगा, मुझे छुपकर ही वेट करना पड़ेगा इसका। तब तक मेरा वानरम कर रहा है इनका खात्मा, चार खत्म। तो जितने भी थे भाई सबके सब को लगा दिया इसने ठिकाने, और सबके सब लोगों ने ना कुछ गिराया होता है। डंजन की खास बात होती है भाई, लास्ट में आपको मिलता है खजाना, जिसके अंदर मिलती है आपको बहुत सारी लाइक नायाब चीज़ें, जैसे रूबी है, मेरे को पूरे के पूरे पाल वर्ल्ड में कहीं नहीं मिला, बट यहाँ पर मिल गया। अब आते हैं डंजन से बाहर। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर वालों को रखो ध्यान, और आप सबको राम राम। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत कम है मेरे सब्सक्राइबर्स।